हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो फ्रेंड्स, आज बहुत गर्मी है और बहुत दिनों से मेरा बाइक का बहुत ही हालत ख़राब है, आप देख सकते हो। तो आज मैंने सोच लिया है बाइक को पूरी तरीके से चेन वॉश करके वॉश करा लेंगे, इसी को लेके वीडियो। तो ये सब काम हम मैनुअली कर लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा है इसीलिए, एंड वीडियो बनाना है इसलिए गैरेज में आए। आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कम खर्चा में चेन वॉश किया जाता है घर पर। ऑलराइट, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग चेन को वॉश कर लेंगे, ठीक है? तो चेन वॉश करने के लिए चेन वॉश भी मिलता है लेकिन वो महंगा इक्विपमेंट होता है। तो आप लोग उसके बदले में डीजल भी यूज़ कर सकते हो, केरोसिन भी यूज़ कर सकते हो और पेट्रोल का भी यूज़ मत। अभी यहाँ मेरा केरोसिन से साफ़ किया जा रहा है। 3 टूथ ब्रश एक्टर ले लिए थे हम, इसका प्राइस है 150 रुपीज़। एंड देन चेन ल्यूब भी कर लें। चेन ल्यूब आप लोग प्रीमियम यूज़ करना, जैसे मैं यूज़ करने वाला हूँ आयो मोटूल का। ऑलराइट, आप लोग जब चेन वॉश करोगे तो ये अंदर का जो स्प्रॉकेट है इसको भी खोल के कर देना, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदा जमता है, ठीक है फ्रेंड्स? ये हम बाईपास के बगल में है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होगा, आप लोग थोड़ा इग्नोर कर देना प्लीज़। तो फ्रेंड्स, ये अंदर का स्प्रॉकेट को भी हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है? इसमें वैसे हमेशा ज़्यादा क्लीन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है लेकिन बहुत दिन बाद इसको भी क्लीन करना ज़रूरी होता है। ये पूरा वाटर प्रेशर से जो चेन वॉश कर रहे हैं हम, ठीक है? और पूरा गाड़ी भी वॉश करने वाले हैं आज। तो फ्रेंड्स, अभी गाड़ी वॉश होने के बाद हम ल्यूब दे रहे हैं। मोटूल का C2 है चेन ल्यूब। अब पीछे का स्प्रॉकेट होने के बाद अब सामने का स्प्रॉकेट में थोड़ा सा दे देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है इसे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छे से वीडियो में। टिल देन, कीप पीस, मेक पीस। बाय।